फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो आज आपका भाई देशभक्ति फोटो ट्यूटोरियल लेके आ चुका है, जो आप लोग का ट्रेंड चलता है, जो मैं आप लोग के बीच लेके आता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं आप लोगों को फोटो बीच बना के पोस्ट किया हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा सबसे अलग है, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल फोटो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका नॉर्मल फोटो आप लोग देख सकते हो कितना ही बेकार है, कितना लो क्वालिटी में है। आप चाहे तो मोबाइल के भी फोटो क्लिक करके और ऐसा फोटो एडिटिंग कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। कोई जरूरत नहीं कि कैमरा ही रहेगा, मेरा फोटो कैमरा से, मेरा कैमरा का ही फोटो है लेकिन मोबाइल से भी बेहतर है, ठीक है। तो जो कि आप लोग चाहे तो मोबाइल का फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, चाहे तो कैमरा का फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा एक एक फोटो देख सकते हो, जो कि मैं एक एक स्टेप से एडिटिंग किया हूँ और जो कि वही एक एक स्टेप आप लोग को बताऊंगा, जो कि आप लोग कर सकते हो फोटो एडिटिंग बहुत ही चकास, ठीक है। तो ये रहा अपना ओरिजिनल पिक, तो आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके भाई के पास भी आज टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूं गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो कि शेयर पर क्लिक करके और अपना फोटो लाइट रूम में शेयर कर लेना गाइस, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही छोटा ट्यूटोरियल है, ठीक है मेरे भाई। देखिए तो मेरा फोटो जो है कि लाइट रूम में ऐड हो चुका है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर भी आप लोगों को कोई वर्क कोई नहीं बताएंगे, ठीक है, कि जैसे आप लोगों को झंझट लगे। तो यहाँ से सिंपली बैक आएंगे और आप लोगों को एक प्रीसेट मिलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रीसेट जो है कि 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ से कॉपी सेटिंग मुझे पता होगा, ठीक है ना। जिनको भी नहीं पता होगा गाइस आप लोग कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप लोगों को प्रीसेट पर वीडियो लेके आऊँ मैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच करेंगे तभी ना मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए वीडियो को देखिए, यहाँ पर से अपना ओरिजिनल फोटो ले लेना है, फिर 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से पेस्ट सेटिंग कर देना, ठीक है। प्रीसेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आता है आप लोग हमको कमेंट कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो गाइस यहाँ से इतना काम होने के बाद आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से शेयर पे क्लिक करके और जो कि अपना फोटो एक्सपोर्ट कर लेना है गैलरी में, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए जो है कि 2 मिनट में आपका इतना फोटो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि आपको बैकग्राउंड पे वर्क करना है, जो कि पीएनजी वगैरह सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करके और अपना फोटो जो फोटो रूम में चलेंगे और हल्का जो है कि बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार का ब्लर करेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ जो है कि शेयर करेंगे, जैसे ये उस टाइप से प्रोसेस लेता है, प्रोसेस लेने के बाद आपका बैकग्राउंड और आपका मॉडल अलग अलग हो जाता है, काफी HD तरीके में यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है। आप लोग को जो भी तरीका बताते हैं यूनिक बताते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को जो है कि ब्लर वाला ऑप्शन को चूज लेना है, जैसे ही ब्लर वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आप लोग को कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखता है। तो यहाँ पे गाइस आप लोग क्या करना, अपने मॉडल पे क्लिक करके एक बार हिला देना है, ठीक है। एक बार जैसे हिलाते हैं तो जो है कि आप लोग एक बार हिलाने के बाद जो कि आप लोग क्या करेंगे, डन करेंगे बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद जो कि इसको ब्लर को बंद करेंगे और अपने फोटो को अच्छे से सेट करेंगे जहाँ पहले था, ठीक है। अपने फोटो को वहाँ सेट करेंगे जहाँ पहले था, ठीक है ना। अपने हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से सेट करने के बाद गाइस क्या करेंगे, फिर से जो है कि डन करेंगे बैकग्राउंड पे क्लिक करके और जो है कि ब्लर वाला ऑप्शन को खोल लेंगे और उतना ही ब्लर रहने देंगे, ठीक है। और उसके बाद से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ सैचुरेशन को प्लस कर लेंगे, यहाँ से हाईलाइट को लो लाइट को भी प्लस कर लेंगे, हाईलाइट को भी हल्का सा प्लस कर लेंगे, ठीक है ना। एंड यहाँ से वार्म को हल्का सा प्लस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डन करेंगे, उसके बाद से जो है कि शेयर पर क्लिक करके और अपना फोटो जो है कि एक गैलरी में सेव कर लेंगे और सिंपली बैक आएंगे। बैक आने के बाद फिर से बैकग्राउंड पे क्लिक करके ब्लर को बंद करके फिर से शेयर पे क्लिक करके और एक बार फिर फोटो को सेव कर लेंगे, 2 बार फोटो को सेव करेंगे, ठीक है। उसके बाद से गाइस मैं बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि मेरा फोटो 2 बार सेव हुआ है, ठीक है, एक ब्लर वाला एक बिना ब्लर वाला, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार जो ब्लर वाला को शेयर पर क्लिक करके और जो कि आप लोग लेकर चलेंगे कहाँ, पिक्सआर्ट में, ठीक है। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में लेके आएंगे तो इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो कि सारा वर्क आप लोग करना है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करके जो कि अपना जो बिना ब्लर वाला फोटो रहेगा उसको ऐड करेंगे सिंपली, और अपने पहले वाला फोटो को छोटा करके इस टाइप से बड़ा करके और इस तरफ से फिट हो जाएगा, फिट होते इरेज बटन में क्लिक करके और जो है कि हार्डनेस कम करके साइज को बड़ा करके और जो है कि चला लेंगे जहाँ जहाँ आपको ब्लर चाहिए, आपके फोटो के हिसाब से ब्लर रखेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो है कि चला लेंगे, ठीक है। इस टाइप से चलाने के बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से इस टाइप से चलाने के बाद गाइज आप लोग राइट क्लिक कर लेंगे और एक बार पूरा राइट क्लिक कर लेंगे, आपका फोटो डन हो जाएगा, ठीक है ना। और इस टाइप से रखने के बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, स्टिकर पर क्लिक करके और जो है कि यहाँ से सर्च करेंगे इंडियन फ्लैग, ठीक है। इंडियन फ्लैग सर्च करेंगे, देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा PNG मिलेगा, ठीक है ना। तो जो है कि आप लोग ये वाला PNG ऐड कर लेंगे, ठीक है, सिंपली ये वाला, ठीक है ना। इस वाला PNG को ऐड करेंगे और इसको जो फ्लिप रोटेट करके और जो कि इस साइड से करके और इसको बड़ा करके, चाहे ये वाला ऐड कर सकते हैं चाहे कोई भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो मेरे भाई। तो जो कि मैं कौन वाला ऐड किया था, ये वाला ऐड किया था, ठीक है मेरे भाई। तो जो कि इसको जो कि इस टाइप से बड़ा करके, ठीक है ना, और इस टाइप से रखा था मैं, और इस टाइप से रखने के बाद इरेजर बटन क्लिक करके और जो कि इस टाइप से इरेज कर लेता जैसे लगे मैं हाथ में पकड़ा, ठीक है ना। तो जो कि इस टाइप से आप लोग भी इरेज कर लेंगे, इस टाइप से इरेज करने के बाद क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, फिर से जो कि स्टिकर पर क्लिक करके और जो कि आप लोग इसी में ये वाला PNG मिल जाएगा, तो जो कि इसको ऐड कर लेंगे सिंपली, ठीक है ना। तो इसको चलिए हम ऐड करके आप लोग को हम दिखाते हैं, ऐड करके कुछ इस टाइप से रख के, ठीक है ना, इस टाइप से रखा था मैं और जो कि इसको क्या किया था, मूव डाउन कर दिया था, ठीक है। मूव डाउन करने के बाद गाइज आप लोग क्या करेंगे, फिर से जो है कि स्टिकर पर क्लिक करके और जो है कि गाइज क्या करेंगे, इधर से जो है कि 26 जनवरी लिखेंगे, ठीक है ना, 26 जनवरी लिखेंगे तो आप लोग को PNG मिलेगा, ठीक है ना। जो कि ये वाला PNG को ऐड करेंगे सिंपली, ठीक है, यहाँ पे
और इस वाले पेन को ऐड करने के बाद फिर से जो कि राइट क्लिक करेंगे, स्टिकर पर क्लिक करेंगे और जो कि गाइस फिर से जो कि आप लोग देखते रहिए ये कि मेरा भारत महान लिखा है उसको जो कि ऐड कर लेंगे और ये ऐड करने के बाद कोई गाइस कुछ इस टाइप से रख लेंगे, ठीक है। टाइप्स रखने के बाद गाइस क्या करेंगे, फिर से स्टिकर पर क्लिक करके और जो कि वंदे भारत का एक आप लोग पीएनजी मिलेगा, ठीक है ना, तो जो कि उसको इसी में मिलेगा, उसको जो कि आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, जो चाहे आप लोग ऐड कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें टेक्स्ट है, तो यहाँ से जो कि वंदे मातरम का जो पीएनजी है मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपली, और आप लोग बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है वो चाहे तो ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, एक फोटो एक पीएनजी जो है आप लोग ऐड फोटो पर क्लिक करके गैलरी से ऐड करना, जो आप लोग को लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि मेरा एक और पीएनजी ऐड हो चुका है गैलरी से, ठीक है। इसको जो कि इस टाइप से बड़ा करके रख लेना आप लोग को सिंपली, ठीक है ना, और इसको इस टाइप से बड़ा करके रखने के बाद गाइस आप लोग क्या करेंगे, फिर से जो कि स्टिकर पर क्लिक करके और जो कि यहाँ से लाइट सर्च करके, ठीक है गाइस, LIGHT, ठीक है ना, लाइट सर्च करेंगे और लाइट सर्च करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइट मिलेगा, तो जो कि ये व्हाइट वाला लाइट जो कि आपको ऐड करना है, ब्लेंड मोड पे करके स्क्रीन कर लेना है और जो कि गाइस आप लोग को इस तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से ऐड करने के बाद मूव डाउन कर लेना है, डाउन करने के बाद इरेजर बटन क्लिक करके और साइज को बड़ा करके हार्डनेस कम करके जो कि ये साइड साइड जो रेखा होगा उसको इरेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग को एक पीएनजी और बच गया, ठीक है, उसको जो कि ऐड करना है, तो जो कि स्टिकर पे क्लिक करके और जो कि 26 जनवरी जो सर्च किए थे उसी में जो कि आप लोग को मिलेगा, ठीक है, रिपब्लिक डे, ठीक है ना, रिपब्लिक डे में आप लोग को पीएनजी मिलेगा, ठीक है ना। चाहे तो ये 26 जनवरी जो कुछ भी लिखा है ना, ये जितना बहुत ज़्यादा लिखा है वो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी आप लोग जो अपने हिसाब से ऐड कर लो मेरे भाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर टेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं ये वाला ऐड करके आप लोग को यहाँ पे रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे कोने में बस छोटा सा रखा था इसको, ठीक है, और उसके बाद जो कि यहाँ का काम डन होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो कि आप लोग सिंपली बच गया स्मूथ करना, ठीक है ना, तो यहाँ से सिंपली यहाँ सेव बटन पर क्लिक करके और जो कि अपना फोटो गैलरी में सेव कर लेंगे, जो कि देख सकते मेरा फोटो गैलरी में सेव हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, अपने फोटो को रेमनी करके आना, ठीक है, रेमनी कर लोगों मुझे पता है, रेमनी नहीं करना आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रेमनी करना मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सिंपली जो है कि रेमनी में यूज करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं फोटो कैसे लगेगा, रेमनी के बाद जो कि कुछ इस टाइप से फोटो हो जाएगा, तो आप लोग क्या करना है, शेयर पे क्लिक करके और आप लोग क्या करना है, स्मूथ करना, ठीक है, और लास्ट में जो कि आप लोग कलर ग्रेडिंग करना भी बताऊंगा, इसमें स्मूथ करना जो कि एक मिनट में आप लोग को हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो कि ज्यादा स्मूथ नहीं करना है, नॉर्मल ही स्मूथ करना है, ठीक है ना। तो गाइस देख सकते कुछ इस टाइप से ऐड होता है, जो कि वही ब्रश को रहने देंगे, ठीक है, ये वाला ब्रश आप लोग डेली बाई डेली बताते हैं, सेटिंग 6-12 रख लेंगे, ठीक है ना, और जो कि आप लोग ब्रश साइज चेकआउट करके और हल्का नॉर्मली स्मूथ करना, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ होगा, ठीक है ना। और आज जो है कि आप लोगों को दो प्रीसेट देने वाला हूँ, ठीक है, जो कलर ग्रेडिंग वाला एक प्रीसेट होता है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना गाइज, जो कि आप लोग उसको यूज करके काफी ज्यादा अपने यूनिक फोटो को बना सकते हो, ठीक है, और अपने फोटो को वायरल कर सकते हो, ठीक है ना गाइज। तो जो है कि गाइज आप लोग देख सकते हो जो कि ज्यादा टाइम नहीं लगा, एक मिनट लगा, और जो कि हल्के हाथों से जो कि इस टाइप से स्मूथ कर लेंगे, बता देते भाई बहुत ही यूनिक और बहुत ही सरल तरीका आप लोगों को बताता है, ठीक है, जो कि इस टाइप से स्मूथ कर लेंगे। उसके बाद से गाइज आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद से जो है कि जहाँ तक अपने हैंड पर भी मतलब स्मूथ कर लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है मेरे भाई। तो इस टाइप से स्मूथ करने के बाद जो कि यहाँ से अपना फोटो गैलरी में सेव करेंगे, ठीक है, एंड देन कलर ग्रेडिंग करना आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो भाई लोग देख सकते हैं मेरा फोटो सेव होने के बाद मैं लाइट रूम में ओपन कर लिया हूं, तो जो कि आप लोग फोटो जो है कि अपना LIGHT लाइट रूम एप्लीकेशन में कि ओपन करना है कलर ग्रेडिंग करने के लिए, सिंपली बैक आना और आप लोग को यहां भी एक प्रीसेट देंगे, ठीक है, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है ना। तो मेरे भाई लोग आप लोग देख सकते हो जो कि यही है प्रीसेट, ठीक है, इसको बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को प्रीसेट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख सकते हैं बिफोर है एंड आफ्टर है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या 3 डॉट क्लिक करके कॉपी सेटिंग्स कर लेना है, राइट क्लिक करना, बैक आना है, ठीक है, और जो कि आप लोग नॉर्मल फोटो जो एडिट किया वो लेना है, ठीक है, 3 डॉट क्लिक करके पेस्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग को दो प्रीसेट भी दे दिया और जो कि अपने फोटो को कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये रहा आज का ट्यूटोरियल गाइस, बहुत ही खास बहुत मस्त, ठीक है। आप अगर आप भाई की वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता है। चलिए मिलते हैं कल के अगले वीडियो तक, क्लियर, जय हिंद।